दोस्तों आज हम लोग के प्यारे जंगकुक कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में गए थे। दोस्तों जंगकुक ने पूरी कोशिश की कि वहाँ कोई ना जान पाए कि जंगकुक वहाँ गए हैं, बट जंगकुक आर्मी के हाथों पकड़े गए। बट दोस्तों इसकी पूरी बात जानने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जंगकुक इस टाइम US में है और जंगकुक वहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर के साथ वर्क कर रहे हैं अपने सोलो एल्बम के लिए। और दोस्तों जब जंगकुक आज कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल को देखने गए थे तो वहाँ पर मौजूद आर्मी ने जंगकुक को पहचान लिया था और जंगकुक के वहाँ के फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों वैसे तो ये बहुत गलत है जो आर्मीज ने किया। दोस्तों आर्मीज को ऐसे जंगकुक की फोटोज को शेयर नहीं करना चाहिए था। दोस्तों जंगकुक उस म्यूजिक शो को देखने और एंजॉय करने गए थे, तो इस तरह जंगकुक की मर्जी के बिना उसकी फोटोज को शेयर करना सही नहीं था। दोस्तों जंगकुक की फोटोज लीक हो जाने के बाद जंगकुक ने व्यूअर्स पे पोस्ट किया कि वो बिना किसी को बताए कोचेला शो को देखने जाना चाहते थे, बट वो पकड़े गए। दोस्तों जंगकुक ने बोला कि उसने अपने बैंग यानी आगे से हेयर को कट करवा दिया है, तब भी आर्मी ने उसे कैसे पहचाना। दोस्तों जंगकुक ने बोला कि आर्मी तुम सब बहुत कमाल हो एंड आई लव यू आर्मी। दोस्तों जंगकुक ने ये भी बोला कि उसने ये फोटो बहुत जल्दी में क्लिक की है ताकि वो सब आर्मी को दिखा सके। दोस्तों जंगकुक को आर्मीज का ऐसे फोटो लीक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों जंगकुक को क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम हमारे जंगकुक के साथ ऐसा ना हो। और दोस्तों इसी के साथ आज कोचेला में इंडिया के फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ भी परफॉर्म करने गए थे। दोस्तों आज जंगकुक कोचेला देखने गए थे तो शायद जंगकुक ने दिलजीत की भी परफॉर्मेंस देखी होगी, या फिर हो सकता है कि जंगकुक उनकी परफॉर्मेंस के बाद गए हों। दोस्तों हमें नहीं पता कि जंगकुक ने परफॉर्मेंस देखी या नहीं, बट अगर जंगकुक ने परफॉर्मेंस को देखा होगा तो ये हम इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आपके इस पे क्या व्यूज हैं मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिएगा।